हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फ़िलहाल मैं एम्स में हूँ और ये व्हील चेयर है, इसको मैं देने जा रहा हूँ अभी। व्हील चेयर को मम्मी को इसमें लेके गया था मैं, तो मैं थोड़ी अपडेट आपको देना चाह रहा था। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बिज़ी भी था और कुछ कोई अपडेट भी नहीं थी, तो बिना मतलब की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल अपडेट ये है कि कुछ एक्टिविस्ट और कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए हैं दोबारा से एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए, CBSE ICSE दोनों। तो उसकी सुनवाई होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है। जो जस्टिस हैं आदरणीय खानविलकर जी, उनकी बेंच में इसकी सुनवाई होगी। तो अभी क्या होता है उसमें डिसीजन देखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होंगे आपके या फिर एग्ज़ाम होंगे? आपका दिल क्या कहता है वो आपको बताना है। फ़िलहाल मैं एकदम एब्सोल्यूट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंसिल हो या ना हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तो फ़िलहाल अब CBSE अपना पक्ष रखेगी, CBSE बताएगी वो क्यों एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं, क्या होगा। तो फ़िलहाल तो बस यही अपडेट है कि आपके फ़िलहाल एग्ज़ाम 26 अप्रैल से हैं और CBSE ने अपनी डेट दे दी है, डेट शीट आई नहीं है और CBSE आपकी रिजल्ट भी देने वाली है। कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, कोई डेट नहीं है बट कभी भी आ सकता है। सो मैं इसको जमा करता हूँ व्हील चेयर को और फिर जो है जी जी थैंक यू। सो बस यही बताना था आपको और एक बात मैं कहूँगा, दिल से पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई छोड़ी गड़बड़ हुई, पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।